हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होगी। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल है प्रांजल का बर्थडे और आज मैंने ये डाला है सूट, जो कि मैं बहुत कम डालती हूँ। सो आज इसलिए सूट डाल के जा रही हूँ, क्योंकि काफी दिनों से सूट नहीं डाले मैंने। तो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट शॉपिंग के लिए। तो हाँ, बना देनी आ। तो पहले शायद हमें जाना है कुछ चांदी का सामान लेने के लिए, तो वहां पे जाते हैं। फिर रास्ते में आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे मैं जाऊंगी। तो ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा। और सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पे वापस शॉपिंग करने के बाद। और हाथ जो है मैं नीचे से ही अपने वॉश करके आई हूँ। तो अभी मैं खाने लगी हूँ कुलचा चने वाला। तो इसके बाद जो है मैं बनाऊंगी अपने पुलाव, स्वीट पुलाव। शायद आपने कभी देखा हो कि नहीं, बट उसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, तब तक जो है मैं अपना, ये है मेरे कुलचे और इसमें से खाते हैं। ये सबसे ज्यादा टेस्टी जो है चने वाला कुलचा होता है यहाँ का। तो एक लुक देखिए इसकी कितनी अच्छी है। ये सबसे जो है टेस्टी कुलचा यहाँ पे मिलता है हमारे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कुलचा कहाँ का है, तो मुझे कमेंट कीजिए और आप पूछ सकते हैं, तो मैं तब बताऊंगी आपको ये कहाँ से मिलता है ऐसे वाला कुलचा। तो इसको जो है उतार देती हूँ और इसको पकड़ लेती हूँ और खाती हूँ अपना। तो ऐसे जो कुलचे हैं आपको हमारे जो सिटी है यहाँ पे बहुत मिलते हैं। ये मुझे बाकी सिटीज का पता नहीं वहां पे ये वाले कुलचे मिलते हैं कि नहीं, बट इसकी जो स्पेशलिटी है ना वो पता क्या है, ये होता है खट्टा अचार। वो जो होता है ना कमल ककड़ी, जिसको बोलते हैं पंजाबी में पे, ये वो है। और इसका जो अचार होता है ना कुलचे के साथ, कुलचे के ऊपर डाल के देते हैं,
बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको मैं करती हूँ फिनिश और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी जो है वीडियो पूरी देखिएगा, शॉपिंग की है मैंने और शॉपिंग से लेके जो है स्वीट पुलाव बनाए थे की पूरी वीडियो जो है मैंने इसमें ऐड की है। तो कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने चावल है वो एक छोटा गिलास जो है उनको भिगो लिया है। तो इन्हें जो है अच्छे से धो के हम ऐड करेंगे गर्म पानी के अंदर। तो पानी जो है पहले से ही मैंने एक कढ़ाई में ले लिया था और इसको जो है गर्म कर लिया था और इसमें जो है मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। और इसमें जो है अब हम ऐड करते हैं फूड कलर। सो यहाँ पे आप केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है लिया है येलो फूड कलर, तो एडिबल होता है। सो इजीली जो है आपको मार्केट में ये मिल जाते हैं। सो उसी के साथ जो है हमने इसमें ऐड कर दी है शुगर। एक कटोरी जो है हमने यहाँ पे शुगर ऐड किया है। सो इन्हें हल्के हाथ से जो है हमें मिक्स करना है अच्छे से। सो हल्के से जब चावल पके तब ही हमें शुगर ऐड करनी है और इसे हल्के हल्के हाथों से जो है मिक्स करते जाना है। और जो है इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी अपने ड्राई फ्रूट्स। सो यहाँ पे मेरे पास है रेजिन्स और थोड़े से जो है यहाँ पे सूखे हुए जो होते हैं कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो मेरे पास अवेलेबल थे घर पे। सो मैंने वो ऐड किए हैं, काजू, सूखा नारियल और छुहारे जो होते हैं और बादाम जो है मैंने इसमें ऐड किए हैं। सो बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। सो खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। सो इन्हें जो है हमें ढक के जो है अब थोड़ी देर के लिए कुक करना है लो फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो है इसका पानी अच्छे से सूख जाए और चावल हमारे जो है अच्छे से गलने चाहिए। सो इन्हें जो है हम ढक देते हैं। सो थोड़ी देर बाद जो है इन्हें बीच बीच में चेक करते जाइए। और मैंने जो है बादाम इसके ऊपर से ऐड किए हैं। सो चावलों को जो है हल्के हाथों से ही फ्रेंड्स हमें हिलाना होता है, मिक्स करना होता है ताकि ये टूटे ना। सो मीठा जो है आप अपने हिसाब से जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। सो 5 से 10 मिनट के लिए इसे पकाना होता है अच्छे से। और जो यहाँ पे मैंने ऐड किया है हल्का सा देसी घी ऐड किया है। सो फिर से इन्हें हल्का सा जो है हम मिक्स कर लेते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये स्वीट पुलाव जो होता है। तो इन्हें जो है अब हमें जो है ढक के अच्छे से दम के ऊपर रखना है। और नीचे जो है मैंने एक रख दिया है तवा और ऊपर से जो है ढक्कन लगा के इसके ऊपर कोई भी एक हैवी वेट चकला आप रख दीजिए जिसके ऊपर आप रोटी बेलते हैं। और गैस को जो है बंद कर दीजिए, 5 मिनट बाद इसे जो है गैस हमें बंद करना है ताकि हमारे जो चावल हैं अच्छे से इनको दम लग जाए। इसके बाद जो है हमें चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, इन जो चावलों का पानी है वो सूख चुका है और चावल भी जो है अच्छे से पक गए हैं। सो इन्हें जो है अब आप खा सकते हैं, ये रेडी हो चुके हैं। सो इसमें आप कैरेटमन वगैरह, इलायची, लौंग वगैरह जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए एक प्लेट के अंदर जो है मैंने इसको सर्व कर दिया। ये देखो मेरे लिए स्वीट राइस बने हैं मीठे चावल। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। बाय बाय।